बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ ईमान फातिमा और आज भी मैं अपने व्यूअर्स के कमेंट्स की एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ और उसमें मैं डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर करूँगी। तो आइए देखते हैं कि हमारे आज के क्या क्वेश्चंस है और उसका हमने क्या आंसर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अमानत अली हैं जो कि कह रहे हैं कि मिस मेरी करियाने की शॉप है, फिर मैं क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाऊँ? अकाउंट मैं क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाऊं अकाउंट ओपन कराने के लिए, HBL फ्रीडम अकाउंट? तो ऐसा है कि आपकी किराने की शॉप है, ठीक है, तो आपका शॉप का जो है वो लेटर हेड बना होना चाहिए। आप वो लेटर हेड बना लेकर और उस अपना आईडी कार्ड वगैरह लेकर जाएंगे और अपना पर्सनल अकाउंट वहां पर खुलवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको अपना बिजनेस अकाउंट खुलवाना है तो उसके लिए फिर आपको अपना NTN भी बनवाना होगा उसी किराने की शॉप का, ठीक है, और स्टैम्प भी बनवानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने अपना पर्सनल अकाउंट बनवाना है तो आप सिंपल अपना लेटर हेड बनवा लेंगे और उसके बाद वहाँ के जो BM होंगे वो आपकी दुकान का विजिट भी कर लेंगे और उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो ओके हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपने शॉप के लेटर हेड जिसके ऊपर आपकी शॉप का एड्रेस शुड बी क्लियर होना चाहिए, कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए, दुकान का नाम होना चाहिए, बिल्कुल वही नाम होना चाहिए जो आपकी दुकान का नाम है, वही दुकान का नाम आपका लेटर हेड पर भी होना चाहिए। और उस पर आप एक रिक्वेस्ट देंगे कि मैंने अपना अकाउंट खुलवाना है। अगर आप रिक्वेस्ट नहीं भी लिख सकते तो कोई इशू नहीं है, आप बैंक जाएंगे अकाउंट खुलवाने तो वहाँ पर जो भी अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर होगा या मैनेजर होगा वो आपको अकाउंट ओपनिंग रिक्वेस्ट लिख देगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये अमानत अली साहब मेरे क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अब्दुल शकूर साहब है, वो कह रहे हैं कि अगर मेरा अकाउंट एक बैंक में हो और जिसको मैंने पेमेंट करनी है उसका किसी और बैंक में हो तो क्या पे ऑर्डर बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा, पे ऑर्डर नॉर्मली बन ही इस तरीके से रहे होते हैं, ठीक है। आप सिंपल उसी बंदे के नाम का ही पे ऑर्डर बनवाएंगे और वो वही पे ऑर्डर जो है वो अपने बैंक में जाके क्लियरिंग में प्रेजेंट करेंगे और वेरी नेक्स्ट डे उसकी पेमेंट क्लियर होकर उनके अकाउंट में आ जाएगी, ठीक है। अब तो शकूर साहब, आई होप आपको मेरा क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद स्लो रिवर्ब हैं, सिस्टर बाहर से कंट्री से पैसे लेट क्यों आते हैं? 3 डेज लगते हैं, ट्रेजरी ऑपरेशन इन्वॉल्व होते हैं, ट्रूप्स वाले इन्वॉल्व होते हैं, वो जब तक पेमेंट क्लियर नहीं करते हैं आगे पेमेंट अवेलेबल नहीं होती है, इस वजह से जो है स्लो रिवर्ब जो पैसे हैं जो रेमिटेंस है वो बाहर से लेट आ रही होती है, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन के आंसर, आप आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी एक नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।